हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं वो हमें 12 घंटे पहले AISO के द्वारा मिली है। दोस्तों, न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको ये जो हमारे पास खबर आई है ये सही तरीके से हम बता सकें। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रभाव में आई हुई है और ऐसे में सभी देश अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं इसके बचाव के नए नए फार्मूले बताए जा रहे हैं। तो ऐसी ही एक न्यूज़ कल हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश पहुंचाया था अपने सभी देशवासियों को। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए ये संदेश पहुंचाया गया था। उन्होंने कहा था कि मेरे सभी देशवासियों, आप जनता कर्फ्यू लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ये जनता का खुद का कर्फ्यू होगा और इसमें जितने भी उन्होंने जानकारियां दी, जो भी उन्होंने बताया, उसमें कहीं से कहीं तक किसी गरीब के लिए ये नहीं कहा कि इस जनता के कर्फ्यू में उन गरीब जो रोज़ मजदूरी करने वाले हैं उनके लिए कोई प्रावधान उनकी रोज़ी रोटी के लिए नहीं किया गया है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में इस तरीके के अगर कानून चलाए जाते हैं या इस तरीके से लोगों को सुझाव दिया जाता है तो वहाँ पर 70,000 रुपया उनके अकाउंट में डाला गया ऐसे गरीब लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल लिपड़ी चुपड़ी बातें कर और उनको उनके तरीके समझाने के बाद और किसी तरह की कोई मदद वाली बात नहीं कही गई। तो फौरन उनके इस संदेश के बाद गरीबों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि हम लोग रोज़ की रोटी रोज़ी कमाने वाले हैं और ऐसे में अगर हम घर बैठेंगे तो हमें खाने को कौन क्या देगा, कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि देश में हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और ऐसे देश में पैसे की कमी नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि किसी सरदार पटेल की अगर मूर्ति भी बनाई जाती है उसमें भी अरबों खरबों रुपया झोंक दिया जाता है। और अगर कोई विदेशी आता है आपके देश में, कोई कहीं का प्रधानमंत्री आता है, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि यहाँ पर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को समझाने के लिए और रोज़ डेली पैसा कमाने वालों के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम चालू है और ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से ही अमरीका ने सभी के खातों में $1,000 डाले। लेकिन यहाँ पर किसी के खाते में, ज़ीरो खाते में, जो गरीबों के खाते हैं उनमें एक फूटी कौड़ी के लिए भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई हेल्प नहीं दी। और उनके संदेश के बाद ही फौरन ही ये प्रतिक्रियाएं गरीबों की हमारे सामने आई। तो दोस्तों, हम आपसे PACL इंडिया लिमिटेड की खबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए, ये तो बात थी हमारे देश की और देश के अंदर चल रही जो इस वक्त लगी चुपड़ी बातें प्रधानमंत्री करते हैं उससे किसी भी गरीब का कोई भला नहीं होने वाला। तो आइए बात करते हैं PACL की। तो AISO के द्वारा जो हमारे पास ये पोस्ट आई है, एक आगाज का निष्कर्ष साथियों, वंदे मातरम। प्राय यह सुनने में आता है कि और लोग कहते हैं कि पल्स के मामले में कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि कुछ ऐसे भ्रम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जो लोग कहते हैं कि पल्स के मामले में कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए एक प्रमाण की प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। और जो हमारे साथ विश्वास करते हुए कदम पर साथ रहते हैं उनके लिए सकारात्मक खबर हमारे द्वारा इंसाफ की आवाज़ भारतीय लोक सेवा दल AISOM नव चेतना मानव कल्याण सेवा समिति मध्य प्रदेश जो संयुक्त रूप से सेबी को 7 राज्यों में वार्निंग मेरिमंडम द्वारा मेरिमंडम दिनांक 24 फरवरी 2020 को दिया था का प्रभाव हुआ कि पहली बार सेबी ने इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन निवेशकों का एक संगठन है के सुझाव और प्रस्ताव का सम्मान करने और उस पर अमल करने की बात अपने
नोटिफिकेशन के माध्यम से स्वीकार कीजिए। हाँ दोस्तों, ये इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन के सुझाव को सेबी ने स्वीकारा और नोटिफिकेशन के माध्यम से स्वीकारा, जो कि सभी संगठनों के द्वारा एकता का परिचय है सेबी को दिया गया। इस उनका सेबी के पर दबाव या निवेशकों के लिए प्रतिफल है। इसका अभिप्राय यह है कि हम सब को एक साथ मिलकर एक विचार से काम करना ही हमारी सफलता का मूल मंत्र होगा। इसलिए अलग अलग संगठनों को मजबूती से एक साथ मिलकर पल्स निवेशकों के भुगतान की लड़ाई को पूरी ऊर्जा के साथ लड़ना होगा, और जो लोग अभी भी निजी स्वार्थ के लिए अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ने को का दिखावा कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, और उन लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है जिनकी वजह से हमारी एकता अनेक रूप में बटी है। वे कुछ दिन स्वार्थी तत्व आज भी सबको एक साथ होने नहीं देना चाहते। अतः हमारा तुम्हारा भूलकर एक साथ मिलकर एक लड़ाई को लड़ने के लिए अजगर हूँ, ऐसा सभी से निवेदन है, और उनका भरपूर साथ दें में जिन्होंने सर्वप्रथम आगे होकर इस संघर्ष की शुरुआत की और हमें हमारे हक के लिए संघर्ष करना सिखाया और आज भी निरंतर संघर्षशील है। सुलभ संदर्भ हेतु सेबी इन्फॉर्मेशन की संकलन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संघर्ष, वंदे मातरम। ये पोस्ट हमारे पास अभय दुबे द्वारा आई है। तो दोस्तों, उन्होंने यही कहा है कि सब एक साथ मिलकर अगर किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो उस लड़ाई में सफलता मिलती है, और अलग अलग खंडित होकर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। इनका सीधा सीधा यही कहना है, और जो इन्होंने कोशिश की है उस हिसाब से यहाँ पर सेबी ने भी उसको अपना नोटिफिकेशन के द्वारा स्वीकार किया है। तो दोस्तों, आपसे हमारा कहना यही है कि संगठित रहिए, और संगठित रहने में ही आप निवेशकों का पैसा मिल सकता है, अन्यथा पैसे मिलने की इस वक्त जो प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ही डुलमुल नीति से चल रही है। और एक साथ संगठित रहेंगे और सेबी कार्यालयों पर अपने थोड़े धरने प्रदर्शन करते रहते हैं तो उससे हमारे पैसे मिलने में जागरूकता बनी रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।